मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड, पीएम मोदी लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा आत्मनिर्भर भारत का सपना करेंगे पूरा। पीएम मोदी 2 दिवसीय 30-31 अक्टूबर को रहेंगे गुजरात दौरे पर, अंबाजी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट, 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। विदिशा में से सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश के रोहटी नगर में सीएम शिवराज सिंह का रोड शो, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सलकनपुर मंदिर के पास फूल वाली बहन ने भैया शिवराज को दिया आशीर्वाद, पहनाई अंगूठी। केरल में प्रार्थना सभा में 3 बम ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 दर्जन लोग घायल। त्रिशूर में 1 शख्स ने सरेंडर कर कबूला जुर्म, तो घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, राजनंदा गांव में जेपी नड्डा की जनसभा, कहा छत्तीसगढ़ में घोटालों की सरकार तो राहुल गांधी ने दी 2 गारंटियां। ईडी की कार्रवाई पर मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास का हमला, कहा बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पर, केंद्र सरकार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। सांगानेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने किया कार्यालय का उद्घाटन। महंत बालमुकुंदाचार्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कांग्रेस में बीजेपी नेता अशोक सिंह धाबाई के समर्थन में गुर्जर समाज एकजुट, गुर्जर महापंचायत में ऐलान, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चाकसू में चलती बाइक में अचानक लगी आग, गनीमत रही कि समय रहते बाइक सवार पति पत्नी ने उतरकर जान बचाई। शिवदासपुरा थाना इलाके की घटना। उदयपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने का मामला आया सामने, अंबामाता थाना इलाके में रोड पर मिला कन्या का भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर शहर में निकाला गया पथ संचलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेविका समिति ने देशभक्ति का दिया संदेश, जगह जगह पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। सीकर के दातारामगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अजमेर जयंती, कई कार्यक्रम हुए आयोजित, शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और एफएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 3 गाड़ियों से करीब 19 लाख की नकदी पकड़ी, पुलिस कर रही है 3 युवकों से पूछताछ। चूरू के रतनगढ़ में हिस्ट्री शीटर की पीट पीट कर हत्या, जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री शीटर को पीट पीट कर मार डाला, पुलिसकर्मी के बेटे सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पाली के सुमेरपुल में ट्रैक्टर चोरी के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, चोरी का आरोपी गिरफ्तार, वहीं ट्रैक्टर किया जब्त। भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में लगी आग, रास्ते में गुजर रही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। करौली में विधानसभा चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान करने का दिया संदेश। रायसिंह नगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 12 कच्ची भट्टियां और 13,000 लीटर लहन किया नष्ट। बांसवाड़ा में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक रहे मौजूद। अबूरोड में देखने को मिला रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकराई, हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बचे। चाकसू में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, आरोपी महिला अरेस्ट, 15 लीटर हथकड़ शराब जब्त, 2,500 लीटर वॉश सहित भट्टियां अन्य उपकरण किए नष्ट। जैसलमेर के लाठी में अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, कार से 27 लाख की अवैध शराब की बरामद, 375 शराब की बोतल हुई बरामद।
भरतपुर में चुनावों को लेकर जिला प्रशासन तैयार, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण, चुनाव संबंधी कार्यों को लेकर दिया प्रशिक्षण। ईडवाना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही हुई मौत, काला की ढाणी के पास हुआ हादसा। भीलवाड़ा के पुर थाना इलाके में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के साड़ोली गांव में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान हुई मौत, पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। गांव के पीपलू में पक्की सड़क नहीं होने से आमजन परेशान, सिसोला गांव में पक्की सड़क नहीं होने से लोगों में आवागमन में हो रही है परेशानी, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर में अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान, जीएसएस के बाहर किसानों ने दिया धरना, विद्युत विभाग पर लापरवाही के लगाया आरोप। अनुगढ़ शहर में सफाई व्यवस्था बेहाल, सड़कों पर लगे कचरे के अंबार, दुर्गंध से आमजन परेशान, शिकायत के बाद नहीं हो रहा समाधान। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, घर पर बैठे लोगों पर लाठी डंडों से किया गया हमला, एक पक्ष के चार लोग हुए घायल। दिल्ली में जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी हुए आमने सामने, पीसीसी वॉर रूम के बाहर जमकर नारेबाजी। झुंझुनू के चिड़ावा में ट्रांसफार्मर चोरी मामले का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में अन्य वारदात खुलने की संभावना। धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने जहरीला सांप काटने की जताई आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सलूम्बर के लसाड़िया में कुएं में गिरने से महिला की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। साचौर में नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, घटना से इलाके में फैली सनसनी, हत्या कर शव को नदी में डालने की आशंका, दो नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पर्यटकों ने से गुलजार हुई स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर और हवेलिया देखने उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, व्यापारियों में खुशी की लहर। डीके कामा में युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, वहीं युवक गंभीर रूप से घायल, छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गांव नोने रखा है मामला। चूरू के सुजानगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, सीआईएसएफ और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, चुनाव में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। जोधपुर के लूनी में उपखंड अधिकारी के निस्वेप रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए करेगा जागरूक। हजवाला में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार ओवरलोड ट्रकों को पुलिस ने किया सीज, नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। भीलवाड़ा के बिजोलिया में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, जगह जगह हुआ स्वागत, कार्यक्रम में खंड संचालक दिलदार सिंह सहित अन्य रहे मौजूद। हाजूवाला में अवैध देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, 51 पौवे देशी शराब की पुलिस ने किए जब्त, वहीं आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा। झालावाड़ के पिड़ावा में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं मिला पानी, ठेकेदारों के खोद डाली सड़कें, मरम्मत करना भूले, जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला। बीकानेर में भयमुक्त मतदान को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, मार्च में क्यूआरटी टीम, बीएसएफ की तीन कंपनियां, पुलिस, आरसीए, होमगार्ड समेत सुरक्षा बलों के जवान रहे मौजूद। उदयपुर के सलूम्बर से भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल मीणा का वीडियो वायरल, आचार संहिता लागू होने के बाद सांख्यिकी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे मीणा, कांग्रेस ने दर्ज कराई आपत्ति। नसीराबाद में कंटेनर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रोली पलटी, चार घायल, एक की हुई मौत, ग्राम झाड़वास के निकट हुआ हादसा।
भीलवाड़ा की बिजोलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी गिरफ्तार, थानाधिकारी उगमा राम बेनीवाल ने दी जानकारी। उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने, कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन का मंच पर किया गया स्वागत। पाली में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च, कोतवाल अनिल बिश्नोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। अलमगढ़ में प्रेमनगर निवासी लोगों ने एएसपी से की मुलाकात, नशे पर रोक लगाने की मांग, एएसपी के समक्ष जाहिर किया गुस्सा। टोंक के देवली में अवैध बजरी खनन पर दूनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर ट्रोली और डंपर को किया जब्त, 3 चालक गिरफ्तार। पाली के सुमेरपुर में जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हो रहा अवैध निर्माण, बिना परमिशन से निर्माणाधीन कार्य जारी, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। झुंझुनू के मुरादपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, मेहवाल बस्ती में 6 माह से पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण, सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों ने किया विरोध प्रदर्शन। अलवर के अरावली विहार में पति पत्नी पर पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, अभद्र टिप्पणी करने पर हुआ विवाद। चाकसू में आरएसएस ने जय उद्घोष के साथ निकाला पथ संचलन, एवीएम स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से निकाला गया पथ संचलन, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अलवर शहर में रामगंज मंडी स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में टायर चोरी, 70,000 रुपए कीमत का माल ले गए बदमाश, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर। भीलवाड़ा के करेड़ा में कार की टक्कर से मासूम की मौत, खेलते समय तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। सीकर शहर में आरएसएस का पथ संचलन, 4 अलग अलग जगह से निकाला गया पथ संचलन, शस्त्र पूजन का किया गया। खाटू श्याम जी में अवैध शराब बेचते एक युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में, गोवर्धनपुरा ग्राम में अवैध देशी शराब बेचते युवक गिरफ्तार, 47 पब्बे बरामद। भरतपुर के भुसावर में कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, प्रधान बनाए जाने का दिया था झांसा, 2.25 करोड़ रुपए लेने के लगाए आरोप। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एटीएम लूट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर किया गया गिरफ्तार। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में किया गया फ्लैग मार्च, निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। अलमगढ़ के रावला में चुनाव से पहले पुलिस का एक बड़ा एक्शन, अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, खानूवाली गांव में 2000 लीटर का लहन को किया नष्ट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मिली सुरक्षा, सीआरपीएफ के 9 गनमैन रहेंगे सुरक्षा में तैनात, जिला पुलिस का एक जाब्ता भी रहेगा सुरक्षा में तैनात। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में कपड़े के शोरूम से लाखों रुपए की चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीलवाड़ा के सवाईपुर में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, कांदा चौराहे की घटना, पुलिस जांच में जुटी। झालावाड़ के खानपुर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी लापता, 4 दिन पहले दिल्ली से हैदराबाद गए थे दीपेश सोनी, वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। अवैध शराब पर दीमका थाना डीएसटी टीम और उदयपुर वटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 50,000 की अवैध शराब बरामद, गुड़ागांव में अवैध शराब की ब्रांच पर कार्रवाई को दिया अंजाम। सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह का सुजानगढ़ दौरा, वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति बालाजी के किए दर्शन।
काजूवाला में थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से युवक का कटा हाथ, प्राथमिक उपचार के बाद किया बीकानेर रेफर, खेत में नरमा की लकड़ियों की कटाई करते वक्त हुआ हादसा। भीलवाड़ा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर व्यक्ति ने की आत्महत्या, हादसे के चलते करीब आधे घंटे डिले हुई अजमेर उदयपुर पैसेंजर ट्रेन। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रॉली ट्रैक्टर को किया गया जब्त। अलवर में सरिस्का में टाइगर ST-21 को देखा रोमांचित हुए पर्यटक, वहीं जिप्सी के नजदीक से निकला बाघ, टूरिस्ट बोले ये बेहद खास, ऐसी कभी सोचा नहीं था। विधानसभा क्षेत्र निवाई में होम वोटिंग मतदान कराने को लेकर मतदान अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, चुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण, रिटर्निंग ऑफिसर निवाई रविकांत सिंह ने दी जानकारी। चूरू के रतनगढ़ में पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान, वार्ड नंबर 23-24 में पिछले 14 दिनों से आमजन परेशान, नहीं हो रहा समस्या का समाधान। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट पर, प्रशंसकों ने किया स्वागत, खेसर फोर्ट में फिल्म की करेंगे शूटिंग। बाली के बाली में चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने ली बैठक, चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश, क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। श्रीगंगानगर की विजयनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 किलो गांजा किया बरामद, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्यावर में सरकारी स्कूल में चुनावी पाठशाला का आयोजन, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की दी जानकारी, निर्वाचन अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी पहुंची आबू रोड, चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, राजकीय विद्यालय सहित निजी स्कूल के बूथ केंद्रों का लिया जायजा। बांसवाड़ा के धामनिया में कचरा मशीन में आने से युवक की हुई मौत, डॉक्टर ने किया उदयपुर रेफर, उदयपुर के लिए निकलते वक्त हुई मौत। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश अरोड़ा की मुलाकात, पिछले दिनों दोनों में विवाद की आई थी खबरें, पर इन तस्वीरों में विवाद की अटकलों पर लगे गया है ब्रेक। बॉलीवुड साउथ फिल्म अभिनेता रावत देव गोस्वामी पहुंचे पोखरण, युवाओं ने किया माला पहनाकर भव्य स्वागत। सफलता के नए शिखर पर राजस्थान पुलिस, 19वें दिन ही पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, करीब 60 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, करोड़ों के जेवरात और शराब भी की जब्त। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया ने थामा भाजपा का दामन, पुनिया के आवास पर उमड़ी लोगों की भीड़, आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर मनाई कार्यकर्ताओं ने खुशी। सीकर के फतेहपुर में हरियाणा के डिप्टी सीएम ने किया रोड शो, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी जेजेपी, जेजेपी के राष्ट्रीय नेता भी हुए शामिल। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, गंभीर घायल एक युवक और बच्चे को किया बीकानेर रेफर, सभी मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। सिरोही के पिंडवाड़ा में चौधरी होटल के पास असंतुलित होकर ट्रक पलटा, चालक और परिचालक की ट्रक के नीचे दबने से हुई मौत, 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला बाहर। चित्तौड़गढ़ के कपासन में इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल, फिलहाल इलाज जारी। चूरू के रतनगढ़ में आपसी झगड़े में हुई युवक की मौत, लाठी और सरियों से वार कर किया घायल, डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित, मृतक युवक रतनगढ़ थाने का है स्ट्रीट शूटर। जैसलमेर के रामदेवरा में सड़क किनारे रखे कैबिन में अचानक लगी आग, कैबिन में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख, ग्रामीणों ने पानी सिक की मदद से आग पर पाया काबू। झुंझुनू के घोड़ा गौरजी पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार और एक को किया निरुद्ध,
चोरी किए गए जेवरात और नकदी को किया बरामद। खाजूवाला में छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्ट के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। दो गाड़ियों के साथ एक क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट किया बरामद। झुंझुनू जिला स्पेशल टीम की कार्रवाई, डीएससी टीम ने लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा, ट्रक को नाकाबंदी के दौरान चिड़ावा से पकड़ा। भरतपुर में चेकपोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में आसमान चढ़े प्याज के भाव, सब्जी मंडियों में छोटी दुकानों से हुआ गायब, पिछले 3 दिनों में हुआ 80 रुपए किलो, फसल खराब होने का बताया जा रहा है कारण।